यह वीडियो नोएडा सेक्टर में रहने वाली डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज का है, जिन्होंने ईरान में चल रहे हिजाब प्रकरण के फेवर में अपने बाल काट दिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जो महिला दिख रही है वह नोएडा की रहने वाली डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज है। ईरान में हिजाब का विरोध प्रदर्शन बहुत जोरों से हो रहा है। बता दें, इस विरोध प्रदर्शन में आम के साथ साथ खास भी जुड़ रहे हैं। ईरान से शुरू हुई हिजाब की लड़ाई अब भारत तक पहुंच गई है। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में अब सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। ईरान की महसा अमीनी की मौत का विरोध नोएडा में भी दिखने लगा है। नोएडा के सेक्टर 15 निवासी डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज अपने बाल काटती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान में 18 दिनों से हिजाब के विरोध में चल रहा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विरोध में वहाँ की हाई स्कूल की लड़कियाँ भी शामिल हो गई है। ईरान में बड़ी संख्या में लड़कियाँ सरकार के खिलाफ इस विरोध में शामिल हो गयी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 साल की निका सहकर्मी सितंबर महीने में गायब हो गई थी, जिसकी लाश उसके परिवार को करीब 10 दिन बाद वहां के मुर्दा घर से मिली थी। यह विरोध प्रदर्शन महसा अमीनी को पुलिस हिरासत में हुई मौत के कारण शुरू हुआ था। 22 साल की महसा अमीनी की 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी की मौत पर ईरान में यह विरोध प्रदर्शन साल 2019 के बाद का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी हिजाब विरोध का सपोर्ट किया है। प्रियंका पोस्ट में लिखती है कि ईरान और दुनिया भर से महिलाएं खड़ी हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं, दुनिया के सामने अपने बाल काट रही हैं। महसा अमीनी के लिए कई दूसरे रूप से विरोध कर रही हैं। इनके युवा जीवन को ईरानी मोरालिटी पुलिस ने इतनी बेरहमी से छीन लिया था, उनके हिजाब को गलत तरीके से पहनने के लिए ऐसा किया गया है। एक्ट्रेस आगे लिखती है कि जो आवाजें जबरदस्ती चुप के बाद बोलती हैं वो ज्वालामुखी की तरह फटती हैं और वो नहीं रुकेंगी और न ही दबी होंगी। मैं आपके साहस और आपके उद्देश्य से शॉक्ड हूँ। पैट्रियार्कल एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना आसान नहीं है, लेकिन आप साहसी महिलाएं हैं जो हर दिन ऐसा कर रही हैं, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।